जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ ऑफ ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नगर निगम भर्ती 2023 के बारे में, जहां पर नगर निगम के डिपार्टमेंट से 2023 के लिए नई भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस भर्ती के लिए खास बात ये है कि अगर आप लोग केवल और केवल 10वीं 12वीं पास हैं और आपकी उम्र सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच है और आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी केवल और केवल 10वीं 12वीं पास हैं और आप भी नगर निगम के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सबसे पहले आपको इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड करना है, साथ में यहां पर आपको इस भर्ती के लिए कब से कब तक और कैसे आवेदन करना होगा, साथ में यहां पर आपका इस भर्ती के लिए सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी क्या मिलने वाली है, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं इस वीडियो में नगर निगम भर्ती 2023 के बारे में, जहां पर नगर निगम के डिपार्टमेंट से 2023 के लिए नई भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, साथ में आवेदन भी शुरू हो चुके हैं, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, नगर निगम की भर्ती को लेकर काफ़ी सारे लोगों के वीडियोस पे कमेंट आ रहे थे कि सर हमें नगर निगम की नई भर्तियों के बारे में बताइए कि आखिर नगर निगम की नई भर्तियां कब तक में होने जा रही हैं, कितने पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं, कौन कौन से राज्य के कैंडिडेट कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं। तो फाइनली आप सभी को बता दें, नगर निगम के डिपार्टमेंट से 2023 के लिए नई भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, साथ में आवेदन भी शुरू हो चुके हैं, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना मत भूलें। साथ ही साथ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोग किस राज्य से हैं, साथ में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, साथ में आपकी एज लिमिट क्या है, ताकि हम आपके राज्य, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, साथ में एज लिमिट के हिसाब से सरकारी नौकरियों की जानकारी आपको सबसे पहले दे पाए, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इस भर्ती के लिए पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, फायरमैन एवं और भी विभिन्न सारे पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए अप्लाई मोड रहेगा ऑफलाइन का। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस भर्ती का ऑफलाइन आवेदन करना होगा। साथ में दोस्तों, यहाँ पर बात करें इस भर्ती के लिए हु कैन अप्लाई, तो यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बात करें जहाँ पर इस भर्ती के लिए आपके एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर अगर आपकी उम्र सीमा 18 से 42 वर्ष के बीच है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। साथ में एज में छूट की बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल, यहाँ पर आपको एज में छूट भी मिलने वाली है। साथ में दोस्तों, यहाँ पर बात करें इस भर्ती के लिए आपके सिलेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन केवल और केवल इंटरव्यू एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। साथ में दोस्तों, यहाँ पर बात करें इस भर्ती के लिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर 10वीं 12वीं आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, यहाँ पर बात करें अगर आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी,
साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट, साथ में पासपोर्ट साइज का फोटो, सिग्नेचर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहने वाले हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर बात करें इस भर्ती के लिए आपके पे स्केल के बारे में, तो यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है 30,400 रुपये पर मंथ की। बात करें जहाँ पर इस भर्ती के लिए वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर सभी राज्यों के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते होंगे, आवेदन कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इस वैकेंसी से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर देने वाला हूँ, जहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी व वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करेगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।